नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स एफेक्टिंग रिटेलर्स हमारे पास देर आर थ्री मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि तकरीबन तमाम रिटेलर्स की स्ट्रेटजी को इस तरह किसी तरीके से इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास है स्मॉल एवरेज सेल विच मीन्स जो रिटेलर है उसका जो एवरेज इन साइज है वो बहुत छोटा है अगर हम डिस्कशन डिटेल में जाएँ तो आई विल एक्सप्लेन यू कि यहाँ पर दिस इज़ वन ऑफ दी मेजर चैलेंजेस इवन कंट्रीज़ लाइक यूएस एंड कंट्रीज़ लाइक पाकिस्तान ऑल्सो जहाँ पर जो इनवॉइस साइज है वो बहुत लेस है बहुत स्मॉल है इसी तरीके से जो दूसरी स्ट्रेटी है जो दूसरा स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास है वो है इम्पल्स परचेज़ का कि कस्टमर की बहुत सारी परचेजेज़ ऐसी हैं कि जो कि वो एट द सेम टाइम एट द स्पॉट पिम्पल्स परचेज के तौर पे बाय कर रहा होता है ज़्यादातर वो पॉइंट ऑफ सेल के से ये प्रोडक्ट जो है वो बाय कर रहा होता है इसी तरीके से जो तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है वो स्टोर की पॉपुलैरिटी है स्टिल एट द एंड ऑफ द डे कस्टमर बेशक इंटरनेट आ गया बेशक वेबसाइट्स अवेलेबल है सारा कुछ है लेकिन देर आर कस्टमर्स जो कि अभी भी प्रोडक्ट को फील करना चाहते हैं जो भी अभी भी प्रोडक्ट को पहले टेस्ट करना चाहते हैं चेक करना चाहते हैं इवेल्यूएट करना चाहते हैं टच एंड फील लेना चाहते हैं और फिर उसके बाद जो है वो प्रोडक्ट के बारे में डिसीजन लेना चाहते हैं तो इसीलिए ये तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है लेट्स डिस्कस दिस वन बाय वन सबसे पहले हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक्स है दैट इज स्मॉल एवरेज सेल जिस तरीके से मैंने अभी आपको शेयर किया कि वो चैलेंज बेसिकली यूएसए के अंदर भी है ये चैलेंज पाकिस्तान के अंदर भी है एवरेज सेल्स ट्रांजेक्शन एवरेज सेल्स वैल्यू जो है दैट इज लेस दैन हंड्रेड डॉलर दस हजार रुपये से कम है कंट्रीज लाइक पाकिस्तान इट इज़ इवन लेस दैन थर्टी डॉलर्स मेजोरिटी ऑफ द केसेज के अंदर इवन इट इज टेन डॉलर्स तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है तो रिटेलर का सबसे बड़ा एक इंपॉर्टेंट पार्ट यह है कि वो कोशिश उसकी क्या है कि वो इस एवरेज इन्वॉइस साइज को इंक्रीज करने की कोशिश करता है दैट इज़ वन ऑफ इस चैलेंज बी एट द सेम टाइम और अभी आज के दिन में दैट इज द रियलिटी ऑल्सो क्योंकि उसके पास एक टफ कॉस्ट स्ट्रक्चर मौजूद है जिसको उसने कंट्रोल करना है इसी तरीके से एट द सेम टाइम उसने अपने कस्टमर्स को भी इंक्रीज़ करना है क्योंकि दो तीन तरीके हैं आपके पास अगर वो एवरेज इन्वॉइज़ को इंक्रीज़ कर लेता है बिजनेस वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा इसी तरीके से अगर वो नंबर ऑफ कस्टमर्स को भी इंक्रीज कर लेता है एक रिटेलर तो स्टिल वो इस उस वो अपने कस्टमर्स को अपने बिजनेस को अपने सेल्स रेवेन्यू को इंक्रीज कर पाएगा दूसरा पॉइंट हमारे पास है इम्पल्स परचेज के हवाले से जिस तरीके से आपको जब जानते हैं कि ज़्यादातर परचेजेस एग रिटेल स्टोर के अंदर अनप्लान्ड तरीके से होती हैं कस्टमर कोई लिस्ट कैरी नहीं कर रहा होता एट द सेम टाइम प्रोडक्ट को देखते हुए वो डिसीजन ले, ले लेता है इसका मतलब ये है कि रिटेलर को क्या करना है नॉर्मली रिटेलर कोशिश ये करता है कि वो जो असॉटमेंट स्टोर में मौजूद है प्रॉपरली मर्चेंडाइज हो उसका प्रॉपर लेआउट हो उसकी प्रॉपर तरीके से पैलेटाइज हो प्रॉपर प्रमोशन हो कस्टमर के लिए अट्रैक्शन क्रिएट की गई हो ये वो सारी बातें हैं जो कि नॉर्मली एक कस्टमर को फैसिनेट करेंगी और एट द एंड ऑफ द डे वो कस्टमर जो है वो उस प्रोडक्ट को परचेज़ कर लेगा अब नॉर्मली इस तरह की प्रोडक्ट्स कौन कौन सी नॉर्मली आपको नज़र आएंगी बेशक वो कैंडीज़ हैं वो टॉफ़ीज़ हैं वो चॉकलेट्स हैं वो चुइंगम्स हैं, हैं बेशक वो कुकीज हैं बेशक वो आइसक्रीम्स हैं सो so, ये तब और भी न्यूज पेपर्स लॉट ऑफ कैटेगरीज इवन टोबैको सो इस तरह की बहुत सारी कैटेगरीज हैं जो कि आपको काउंटर के ऊपर नजर आती हैं या इवन शेल्फ के ऊपर नजर आती हैं और कस्टमर उसको देखते ही डिसीजन लेता है कि मुझे भी इसको बाय करना है या बाय नहीं करना सो so, बेशक ये ऑनलाइन वाली सिचुएशन हो ओवर द वेब हो इस केस के अंदर द प्रोडक्ट शुड बी विजिबल इनफ कि कस्टमर उसके ऊपर इमिजिएट डिसीजन ले सके हो सकता है वो वहाँ पर ग्रॉसरी बाय करने के लिए गया हो हो सकता है वो वहाँ पर सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स बाय करने के लिए लेके गया हो लेकिन उस जगह के ऊपर जैसे ही उसने साइट को विजिट किया इफ़ यू फाइंड समथिंग अट्रैक्टिव इमीजिएटली यू विल मेक द डिसीजन क्योंकि इंटरनेशनली इट इज़ अ फैक्ट कि कस्टमर अपनी बास्केट का एक बड़ा शेयर अनप्लान्ड परचेज को नॉर्मली देता है तीसरा पार्ट हमारे पास है पॉपुलैरिटी ऑफ द स्टोर के हवाले से जिस तरीके से मैंने भी आपको शेयर किया कि एट द सेम टाइम जहाँ पर वेब बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है स्टिल स्टोर की पॉपुलैरिटी कस्टमर की नज़र में आज भी बहुत है कस्टमर चाहता है कि वो बहुत सारे प्रोडक्ट कैटेगरीज ऐसी हैं कि जिसमें वो चाहता है कि टच एंड फील करें प्रोडक्ट को एंड देन ही विल टेक द डिसीजन सो इस तरह के केसेस के अंदर आपको नज़र आएगा कि रिटेलर जो है वो बहुत सारे डिसीजन कर रहा होता है वहाँ पे स्टोर की लोकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वहाँ पर वो स्टोर में क्या असॉटमेंट कैरी कर रहा है वहाँ पे पार्किंग की क्या फैसिलिटी मौजूद है ये सारी चीज़ें इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और इसके अलावा अगर उस स्टोर के अंदर कस्टमर को प्रॉपरली लेट से सर्विस दी गई है कस्टमर का प्रॉपर टेकिंग केयर किया गया है कस्टमर की रिलेशनशिप को मैनेज रखा गया है कस्टमर को जो रिक्वायर्ड है प्रोडक्ट असॉटमेंट वो मौजूद है उतनी ही क्वान्टिटी में मौजूद है जितनी उसकी रिक्वायरमेंट है कस्टमर के लिए वैल्यू फॉर मनी मौजूद है ये वो सारे केसेस हैं कि जहाँ पर नॉर्मली कस्टमर जो है वो परचेस करता है प्रोडक्ट को और ये सारा कुछ डिपेंडेंट है स्टोर की पॉपुलैरिटी के हवाले से उसकी लोकेशन की पॉपुलैरिटी के हवाले से तो यहाँ पर ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है ये स्टोर की पॉपुलैरिटी के हवाले से ये कस्टमर बहुत सारे ऐसे हैं और बहुत सारी प्रोडक्ट कैटेगरीज ऐसी है. में तो हैं लोकल एग्जाम्पल मैं अगर आपसे इन जनरल शेयर करूँ तो लेट्स अगर आपको शूज़ बाय करना चाहते हैं खुद से सोचिए कि क्या आप सिर्फ ऑनलाइन एक साइज को ऑर्डर करके आप वो कंफर्ट लेवल में हैं क्या वो पीस ऑफ माइंड में है कि जो प्रोडक्ट का साइज़ मैंने ऑर्डर किया है वही एक्जैक्टली exactly मुझे फिटिन भी आ जाएगा मेजॉरिटी केसेस के अंदर जब तक हम शॉप के ऊपर जाके फ़िजिकली प्रोडक्ट की फिटिंग को देख के पहन के चेक करके उसको इवेल्यूएट नहीं कर लेते तब तक डिसीजन नहीं ले पाते तो so इस तरह से बहुत सारी प्रोडक्ट कैटेगरीज ऐसी हैं कि जिसमें स्टिल ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है तो ये तीन तरह के मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स थे जिस तरीके से मैंने भी आपके सामने रखे हैं जो के इफ़ेक्ट करते हैं किसी भी रिटेलर के डिसीजन को बेशक वो इम्पल्स परचेस की बात मैंने आपसे की है या वो मैं आपसे स्मॉल वैल्यू ऑफ़ इन्वाइस की बात कर रहा हूँ या थर्ड केस के अंदर पॉपुलैरिटी ऑफ स्टोर की बात कर रहा हूँ तो ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स अपनी अपनी जगह के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट हैं और रेट करते हैं वैल्यू करते हैं रिटेलर की स्ट्रैटी को किसी न किसी तरीके से हैवीली इम्पैक्ट होते हैं।